हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैडेंजा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑक्टेव्स के बारे में, यानी सप्तक के बारे में। तो सप्तक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोअर ऑक्टेव, और दूसरा होता है मिडिल ऑक्टेव, और तीसरा होता है हायर ऑक्टेव। अगर बात करें हिंदी में तो पहले वाले को बोलेंगे मंद्र सप्तक, दूसरे वाले को बोलेंगे मध्य सप्तक, और तीसरे वाले को बोलेंगे तार सप्तक। तो बात करेंगे कि ऑक्टेव बनते कैसे हैं, यानी सप्तक बनते कैसे हैं। तो पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि कुल स्वर 12 होते हैं, तो 12 स्वर को मिलाकर एक सप्तक बनता है। जैसे कि बात करूं, इसको हमने सा मान लिया, इस सा से लेके यहाँ तक लेके ये पूरे 12 नोट हो रहे हैं पूरे, तो यहाँ तक पूरा हो गया हमारा एक सप्तक। तो ऐसे ही हम तीन सप्तक गिनेंगे इनको। तो जैसे कि बात की जाए इनकी पहचान करने को, कि पहचान क्या होती है इनकी सप्तक की, तो जैसे कि इसको हम सा मान लेते हैं, ठीक है। पहली ब्लैक की को हमने सा मान लिया, तो यहाँ पे हम बजा रहे हैं। मोस्टली जितने भी गाने होते हैं तो मध्य सप्तक में ही बजाए जाते हैं, यानी मिडिल ऑक्टेव में, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं सा रे ग म प द नी सा। यहाँ पे हमने प्ले करके दिखाई सरगम, सा से लेके दूसरे सा तक। लेकिन पता कैसे किया जाए कि ये कौन सा ऑक्टेव पे हम प्ले कर रहे हैं? तो इसकी पहचान ये है कि जब हम सा बजा रहे होते हैं या लिखते हैं, तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, ना तो नीचे की तरफ कोई साइन होता है। और हम बात करें मंद्र सप्तक की, यानी लोअर ऑक्टेव की, तो यहाँ पर इसकी पहचान ये होती है कि इसके नीचे बिंदु लगाते हैं छोटा सा। जैसे कि सा बजा रहे हैं सा, तो सा जब हम लिखेंगे ना इसको, तो सा के नीचे एक छोटा सा बिंदु आ जाएगा, उससे हमारी पहचान करेंगे कि ये मंद्र सप्तक का सा है या मंद्र सप्तक का कोई भी नोट है। और अगर हम बात करें तार सप्तक यानी हायर ऑक्टेव की, तो जैसे कि हम सा प्ले कर रहे हैं हायर ऑक्टेव का, तो उसमें तो हम ऊपर की तरफ उसके एक छोटा सा बिंदु या साइन उसमें लगा देंगे, जिससे हमें पता चल सके कि ये तार सप्तक का है यानी हायर ऑक्टेव का है। तो यही छोटी सी एक पहचान होती है ऑक्टेव्स को पहचानने की। तो आज की वीडियोस में इतना ही। थैंक यू सो मच।